उनका नाम था अवोगैड्रो, एंड इन्होंने एक कांस्टेंट बनाया, उसका नाम था अवोगैड्रो कांस्टेंट, और इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का वजन पता लगा सकते हैं इन ग्राम्स। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, क्या कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट वाज वेरी सिंपल। इन्होंने बोला कि जैसे एक केला है राइट, उसको क्या लिखते हैं हम, वन राइट, वन ही लिखते हैं कि एक केला आपको दिख रहा है, ये कितने दिख रहे हैं, वन टू थ्री, तो आई विल राइट थ्री फिगर्स में से लिखूंगा, और अल्फाबेट में THREE3 में लिखूंगा। मैं बोलूंगा तीन केले दे दो केले वाले को, तीन दे रहे ऐसे मेरे को, ये क्या है, देखो छह केले, तो आई विल राइट सिक्स, छह केले सिक्स। और मैं क्या बोल सकता हूँ केले वाले को, ना बोलूँ छह केले दो, या मैं बोलूँ हाफ अ डजन। तो हमने एक वर्ड यूज कर लिया कि जब छह हो जाए कोई भी चीज, आप बोलते हैं ना हाफ अ डजन एग लेके आना, तो आपने एग बोलते हो तो हाफ डजन होते हैं, हाफ डजन मतलब क्या होता है, छह, कोई भी चीज होगी वो छह होगी। यदि मैं केले खरीद रहा हूँ तो हाफ अ डजन मीन सिक्स, और डजन मतलब क्या है, इज मल्टीपल ऑफ टू, सिक्स का वाइस ऑफ सिक्स दैट इज 12। यदि कोई भी चीज 12 होगी, यदि केले हैं तो मैं बोलूंगा इट इज अ डजन, मैंने एक दर्जन केले खरीदे। ये नहीं बोलूंगा कि मैंने 12 केले खरीदे, क्योंकि 12 केले बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो 12 बोलने में भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उसके लिए डे टू डे लैंग्वेज में यूज वर्ड्स को यूज करने के लिए, नंबर्स को बार बार रिपीट ना लिखने की वजह से हमने उनके नाम दे दिए। सेम वे में यदि मैं पेड़ से ही केले पूरा बंडल ही तोड़ लेता है, तो उसमें करीब सपोज 144 केले हैं, तो इसको मैं 144 केले नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोला जाता है, अ ग्रॉस। तो जब भी मैंने ग्रॉस बोला उसका मतलब ही है उसके अंदर कितने हैं, 144 थी है। जैसे आप एग खरीदने जाते हो तो एग आप बोलते हैं ना क्रेट में एग दे दो, तो आप एक क्रेट में देखोगे एग्स रखे रहते हैं, लाइन से रखे रहते हैं, तो एक क्रेट का साइज फिक्स है, तो उसमें आप नंबर ऑफ एग्स को यू कैन काउंट राइट, आई थिंक 25 या ऐसी कुछ होते हैं क्रेट के अंदर एग्स, तो फिक्स है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मम्मा कहेगी टू क्रेट्स खरीद के लिए आओ, दैट मींस ही शी इज नॉट सेइंग कि उतने एग खरीद के लाओ, शी इज सेइंग कि दो क्रेट में ऑटोमेटिकली उतने आएंगे। सेम वे में जब मैं डजन बोलूँ, अंडे बोलूँ या मैं एप्पल बोलूँ, तो वन डजन मीन्स ऑलवेज 12, इट डजन मैटर वेदर इट इज एन एप्पल और वेदर इट इज ए बनाना, क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अवोगैड्रो साहब ने जो पढ़ाई की, उन्होंने बोला कि एटम्स, क्योंकि हमने देखा था इतने छोटे होते हैं कि मैं 10 लाख एटम्स को यदि अरेंज कर दूं तो हार्डली थिकनेस ऑफ माय पेज बुक हो रहा है, तो उन्होंने कहा यार इतनी छोटी चीज़ को समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट, तो उन्होंने कहा एक नंबर जनरेट किया। अब ये कैसे जनरेट किया ये बड़ी क्लासेज में समझोगे। तो उन्होंने कहा जब इतना 6022140761 इंटू 10^15 मीन्स इसमें 6 के बाद इतने 0000015 टाइम 0 है, तो जब मैं इतने सारी चीज़ को जब मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, तो इतने सारी जब चीज़ इकट्ठी हो जाएंगी नंबर्स में, या उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं 15 की जगह मैं ये पॉइंट यहाँ लगा इसको आगे लिया था, तो इट कैन बिकम 10^23। और ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा और सिंपल करते हैं, तो इट विल बी लाइक 6.022 × 10^23। तो ये जो इतनी सारी क्वान्टिटी, जैसे यहाँ 144 को मैं ग्रॉस बोल रहा हूँ, तो उन्होंने बोला जब इतनी सारे जो चीज़ कोई क्वांटिटी होगी तो मैं उसको क्या बोलूँगा, अवोगैड्रो कांस्टेंट। और अवोगैड्रो कांस्टेंट उन्होंने कहा कि ये दुनिया में ये चीज़ हमेशा कभी भी होगी, जैसे एक डजन में हमेशा 12 ही एग होंगे, ऐसे अवोगैड्रो कांस्टेंट का मतलब हमेशा क्या होगा, 6.022 × 10^23। आपको कैसे याद रखना है, यहाँ 22 होता है तो यहाँ 23 होगा 10^10 में, राइट। तो 6.022 × 10^23 इज कॉल्ड द अवोगैड्रो कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को एक बार में एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इसका नाम बोल दिया अ मोल। तो उन्होंने बोला जब भी मैं अ मोल बोलूंगा उसका मतलब उसके अंदर इतनी क्वांटिटी का मटेरियल है। मान लो आपके पास मार्बल्स हैं तो इतने सारे मार्बल्स हैं, आप बोलो मेरे पास इतने सारे मार्बल हैं, या सिंपल बोलो मेरे पास अ मोल मार्बल हैं, या मैं बोलूँ मेरे पास एक डजन केले हैं, एक डजन मार्बल हैं, दैट मीन्स मेरे पास कितने मार्बल्स हैं, 12 मार्बल्स हैं। मैं बोलूँ मेरे पास बोलूँ एक ग्रॉस मार्बल हैं, अ ग्रॉस मीन्स आई हैव 144 मार्बल्स। सेम वे में यदि मैं बोलूँ अ मोल मार्बल्स हैं मेरे पास, इसका मतलब कितना है, मेरे पास इतने नंबर्स ऑफ मार्बल हैं, राइट। तो हमेशा के लिए ये कॉन्स्टेंट हो गया, जैसे डजन में 12 इज कॉन्स्टेंट, ऐसे मोल के अंदर ये कॉन्स्टेंट, यहाँ तक क्लियर है। तो क्वांटिटी को काउंट करने का, और काउंट करके उसको मैंने एक सर्टेन वैल्यू को एक नाम दे दिया, अ मोल, जैसे मैंने डजन दिया। यहाँ क्लियर है, यदि यहाँ क्लियर है तो लेट्स मूव फर्दर। अब हम देखते हैं
ये हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दो गैसेज लो, दो चीजों को लो, एक हाइड्रोजन एटम लिया, मॉलिक्यूल लिया, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि दो हैं इसके मॉलिक्यूल हैं, एक एक होता था एटम होते, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, सो व्हाट आई विल मेक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला हुआ क्या बनेगा, हमेशा पानी बनेगा। बट पानी का हमने देखा था फॉर्मूला, ये यही फॉर्मूला है H2। अब ध्यान से डायग्राम में क्या था, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, तो एक ये ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, और हमने क्या चीज़ यूज़ की, दो हाइड्रोजन के एटम्स और दो ऑक्सीजन के लिए, तो एक ऑक्सीजन में तो दो हाइड्रोजन लग गए, ये दो लग गए, पर एक ऑक्सीजन बच गई। पर एज पर द लॉ ऑफ केमिकल रूल क्या है, कभी भी हम एक ऑक्सीजन को अकेला नहीं छोड़ सकते, दैट मीन्स आई नीड टू मोर हाइड्रोजन्स, तो मैं यहाँ क्या लूँगा, दो मोर और हाइड्रोजन लूँगा मॉलिक्यूल्स, तो मीन्स मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए होंगे मेरे को, हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, चार, या मॉलिक्यूल दो चाहिए, तो दो मॉलिक्यूल, और वो किससे रिएक्ट करेंगे, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे पानी के, दो। क्यों बनाएंगे, देखो डायग्राम में, यदि ये दो होते तो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, ये तो क्लिक करेक्ट है, ये मॉलिक्यूल ऐसे ही बनेगा हमेशा, तो देखो दो ऑक्सीजन हो गए, वन टू, तो देखो टू से मल्टीप्लाई करो, टू ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को टू और टू फोर, तो देखो एक मॉलिक्यूल में दो थी, पानी के मॉलिक्यूल में दो हैं, तो एस टू, तो इसके बाहर में यदि मैं करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टू से इस पूरे मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, और यदि खाली हाइड्रोजन देखो टू इंटू टू फोर, तो देखो दो यहाँ है दो यहाँ है। नाउ दिस केमिकल रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड वन, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। अब ये बैलेंस्ड हो गया, इस रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमने क्या बोला, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने यूज़ किए, उसको मिक्स किया एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से, एंड वी प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सो दीज आर व्हाट वी हैव यूज्ड मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वी प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्लियर। ओके, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मालूम है, ऑक्सीजन का मालूम है, कितना होता है इसका, वन, इसका 16U, तो निकाल लो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये कितने एटम्स हैं, टू इंटू टू फोर है, तो फोर इंटू मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1U, और यहाँ कितने हैं, दो है, किसके एटम, ऑक्सीजन के, तो एक एक ऑक्सीजन के एटम का मास हमको मालूम है कितना होता है 16U, तो 2 × 16U, ऐसी यहाँ इन दोनों का मालूम है, ब्रैकेट यदि मैं लगा लूँ, टू बाहर रखता हूँ, तो हाइड्रोजन वर्क लिखूंगा 2 × U + 16U, ऐसे लिख सकता हूँ 2U + 16U, सो दिस इज द वेट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का वेट आ गया इतना, ये वन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का आ गया। या मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, एक और चीज बोलने से पहले, हमने अभी तक ये सीखा कि मोल के अंदर नंबर्स फिक्स होता है, जैसे डजन जब भी मैं बोलूंगा तो 12 ही केले होंगे, बट वो केले पतले होंगे या मोटे होंगे, डजंट मैटर। तो बहुत बार आप देखते हो ना, पहले ज़माने में, आप तो अभी यंग हो, हमारी एज में जब थे, तो हम जब केले खरीदते थे हमेशा डजन में खरीदते थे, केले वाले बोलते हैं भैया एक डजन केले दे दो, तो वो हमको 12 केले दे देता था, 12। बट आज की डेट में आप जाओगे, केले वाले कभी 12 नहीं देता, क्यों, आज की डेट में केले का साइज़ बहुत बड़ा बड़ा हो गया, तो वो कहता नहीं मैं 12 नहीं दूंगा, डजन नहीं दे सकता साहब, मैं केजी में दूंगा, क्योंकि केजे मोटे हो गए, मोटे केले वो देगा तो उसका तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए आजकल क्या है, उनको फ़ायदा किस में होता है, केजी में, तो वो केजी में देते हैं। तो हो सकता है जब मैं डजन बोलता तो 12 मिलते मेरे को, बट अब केजी में हो सकता है मेरे को एक एक केजी में मेरे को 6 ही मिले, राइट, क्योंकि अब वो मास से डील करने लगे, बिजनेस अभी मास केजी से, वेट से होने लगा, या मास से होने लगा, नॉट नंबर्स। कहने का मतलब ये है, पर डजन हमेशा 12 ही रहे। तो बेशक केले के फॉर्म में कहना में जो चाह रहे थे वो ये था कि डजन जब भी मैं बोलूंगा वो 12 केले होंगे, पर केले मोटे होंगे या पतले होंगे डजन मैटर, बट मोल के केस में क्योंकि एटम हमारा बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, उससे ज़्यादा छोटा हो ही नहीं सकता है, तो उन्होंने ये पता लगाया इन साइंटिस्ट ने कि जब मैं मोल बोलूंगा तो उसका नंबर तो फिक्स होगा ही होगा, उसका मास भी फिक्स होगा, दैट मीन्स जब मैं एक मोल किसी भी चीज़ का लूंगा तो उसका मास हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। कहने का मतलब, दोबारा इस केले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, यदि मैं एक डजन केले खरीदूंगा तो हमेशा 12 होंगे, और यदि उनका वेट होगा से 6 kg, तो हमेशा 6 kg होगा, दैट मीन्स केले मोटे पतले नहीं होंगे, ऑलवेज उनका मास सेम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, इसलिए आज की डेट में हम वो लोग हमको डजन में नहीं देते, वेयर एज इन मोल केस के अंदर, एटम्स के केस के अंदर, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, तो उन्होंने ये पता लगाया साइंटिस्ट ने कि मोल में नंबर भी फिक्स होता है
और उसका मास भी फिक्स होता है। नाउ सो वंस एवोगाड्रो कम टू नो कि अ मोल के अंदर नंबर भी फिक्स होता है और उसका मास भी फिक्स होता है इन केस ऑफ एन एटम, देन ही फॉर्मड अ लॉ और एक फॉर्मूला। ही सेड कि मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम ऑफ एनी एटम और अ मॉलिक्यूल, वो किसके बराबर होता है कि उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखने के बराबर। उसको यदि मैं ग्राम में ले लूँ तो इट इज एग्जैक्टली उतना ही वजन होता है। चलो इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन से हम समझते हैं। तो यदि मैं इन सब ऊपर वाले में देखूं तो वन यू इज अ मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का मास वन यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट में। एक ऑक्सीजन का 16 यू होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल ओनली वन कितना होता है 2+16 मीन्स 18 एटॉमिक मास यूनिट, राइट? यही है। वेरस जो 18 है वो क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल का है। यदि मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का करूंगा तो क्या होगा, एक एटम मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 13 यूनिट होगा। यदि मुझे वन मोल ऑफ इन सब चीज़ों का समझना है, पहले यदि मैं एटम्स की बात करूँ तो यदि मैं इसका निकालूँ, यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और वाटर के ये मॉलिक्यूल हैं, इन एटॉमिक फॉर्म में इनका निकालूं कि हाइड्रोजन के नाम है वन मोल, मींस इतने सारे मॉलिक्यूल्स और या एटम्स, अभी खाली एटम की बात कर रहे हैं, इतने सारे एटम्स यदि मैं ले लूं, कितने मतलब एक मोल, एक मोल हाइड्रोजन के एटम ले लूं जिसका हर एक का वजन कितना है, हर एक एटम का वन यूनिट है, वन एटॉमिक मास यूनिट है, तो उसका ग्राम में कितना वजन होगा, वो होगा 1g। आई कैन राइट दिस वे, तो वन मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1g, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16U का 16G हो जाएगा, और वन मोल ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल नहीं, कितने मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल, जब मैं इतने मॉलिक्यूल्स फुल कर लेता हूँ बकेट के अंदर भर के, तो उसका वजन कितना होगा 18 grams। तो दैट इज वॉट इज रिटर्न द मास ऑफ वन मोल ऑफ, वेदर इट इज एन एटम तो एटम का एटमिक मास यूनिट, और ये मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसमें ग्राम जी ले दो, ग्राम लगा दो, उतना ही वजन होगा। क्लियर? एंड ये जो मोल था, जैसे मैंने बताया आपको कि एवोगाड्रो साहब ने तो ये नंबर पता लगा लिया, तो ये इस नंबर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक साइंटिस्ट थे, राइट, उनका नाम था विलियम ओस्टवाल्ड, और इन्होंने जो है इस कांस्टेंट को अ मोल बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि एक हीप को भी ना उनकी लैंग्वेज में एक हीप को मोल बोला जाता था। तो एक हीप किसका, एटम्स का, हाइड्रोजन के एटम का एक हीप ढेर लगा हुआ है, उस ढेर को उन्होंने बोला पता नहीं उसमें गिनती कर दोगे पागल हो जाएगा, तो वो इतने ही कुछ होंगे, तो इसलिए दैट इज वाई इस नंबर को, एवोगाड्रो कांस्टेंट को सिंपल टर्म में अ मोल बोला गया। एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलूँ या मैं मोल बोलूँ एक ही मतलब है। यदि मैं खाली एवोगाड्रो कांस्टेंट को बात करता हूँ, जब मैं मोल की बात कर रहा होता हूँ, तो ये क्या है, एक नंबर है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट ना बोल के, आई कैन से दिस इज एवोगाड्रो नंबर, और इसको n कैपिटल n और स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नंबर विच इज ना एवोगाड्रो, इसके अंदर इतनी क्वांटिटी होगी जिसका मास क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर?